हेलो गाइस, वेलकम टू अमिताज रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बंगाली की सबसे फेमस एंड फेवरेट बंगाली रेसिपी, जो है सोर्षे इलिश। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम फिश में नमक ऐड करेंगे। अब हम हाफ टी स्पून हल्दी ले लेते हैं। अब मैं फिश को अच्छी तरह से हल्दी नमक लगा के अच्छे से मसाज करूंगी। हिरसा फिश थोड़ी सी नरम होती है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप हाथ से इसको अच्छे से मैरिनेट करें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हाथ में लेके फिश को अच्छे से हाथ से मैरिनेट करके उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड में रख लीजिएगा। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से हाथ से मसाज दे रही हूँ। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। इससे आपका फिश ब्रेक भी नहीं होगा और आपका जो हल्दी नमक है वो प्रॉपरली फिश के चारों ओर अच्छे से लग जाएगा। अब मैरिनेशन के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दूँगी। अब हम गैस चालू कर लेते हैं, फ्राई प्रोसेस में चले जाते हैं। अब पैन में तेल गरम करने के लिए रख लेते हैं। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम अपना फिश फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई, जब भी आप फिश फ्राई करें तो थोड़ा सा केयरफुली आप डालें। फिश फ्राई करते समय तेल के छींटे आ सकते हैं, इसीलिए कभी भी आप फिश फ्राई करते समय केयरफुली रहिएगा। इसी तरह से आप साइड से फिश को डालिए। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती है, मैं इसको 1-1 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। अब मेरा एक साइड तो हो गया है फिश का, मैं इसको पलट देती हूँ। इसी तरह से आप थोड़ा सा आराम से आप फिश को पलट लीजिए और दोनों साइड को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसको ओवर कुक मत कीजिएगा, 1-1 मिनट में ही आप एक साइड को 1-1 मिनट फ्राई कर लीजिएगा। 2 मिनट में आपका फिश फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। अब हमारा फिश फ्राई जो है वो रेडी हो गया है, मैं अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम सेम पैन में ही फिश की ग्रेवी भी बना लेंगे। तो चलिए हम ग्रेवी बना लेते हैं। अब हम पैन में कलौंजी डाल लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले को। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। जैसे हमारे पानी में एक बॉईल आएगा उस समय पे हम फिश ऐड कर देंगे। अब हम ग्रेवी में स्लिट की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। उसके बाद हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिश को पकते हुए 5 मिनट हो गए, अब हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं।
अब हम इसमें हमारे सरसों के पेस्ट को ऐड कर लेंगे। सरसों के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। सरसों के पेस्ट को ग्रेवी में अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम फिर से ढक्कन लगा के 5 मिनट और पका लेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे ऊपर से। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आता है। अब हम इसको फिर से ढक के 2 मिनट और लो फ्लेम पे पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फिश जो है रेडी हो चुकी है। आप भी इसी तरह से घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू।